नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू रीजनल आईएएस। आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब बनी थी तो आज हम समझेंगे इसके बारे में कि इसकी मांग कब उठी, क्यों उठी और इसमें कितने लोग शामिल हैं। तो देखिए, यहाँ से प्रश्न बनते हैं आपके एग्जाम में, तो आपको एक एक पॉइंट्स अच्छे से समझने की ज़रूरत है। तो बने रहिए मेरे यानी प्रेमपाल सिंह के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कुछ देरी किए इस डिस्कशन को। देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी उसका सिंबल ये था तब, क्योंकि अनडिवाइडेड इंडिया था। तो आप मैप देख पा रहे हैं, आपको डिफरेंस नज़र आ रहा होगा आज के मैप में और तब के मैप में, ठीक है। तो ये जो है 1934 की बात है जब आइडिया आया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इंडिया के लिए, ठीक है। और ये आइडिया जो है M.N. रॉय के द्वारा आगे बढ़ाया गया था, ठीक है। और 1935 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसने पहली बार और जो है ऑफिशियली डिमांड की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, क्योंकि संविधान को बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की ज़रूरत है। ये 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने डिमांड रखी और आइडिया जो है वो M.N. रॉय ने दिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का 1934 में। तो कुछ ये आपको याद रखना है, 1934 में जो पहली बार आइडिया दिया था वो M.N. रॉय ने दिया था और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो है 1935 में ऑफिशियली इसकी डिमांड रखी थी भारतीय संविधान को बनाने के लिए, ठीक है। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के बिहाव पर डिक्लेयर किया था द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया मस्ट बी फ्रेम्ड विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस बाई ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइजी। और 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के बिहाव पर यह डिक्लेयर किया था कि स्वतंत्र भारत के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना जरूरी है और वो भी बिना बाहरी व्यक्ति के इंटरफेरेंस के, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये बनाया जाएगा और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो सदस्य इलेक्टेड होंगे वो एडल्ट फ्रेंचाइजीज के बेसिस पर इलेक्ट किए जाएंगे, ठीक है ना। आगे हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डायरेक्ट लोगों ने वोट नहीं दिया था संविधान सभा को बनाने के लिए, जबकि उनके रिप्रेजेंटेटिव वहाँ अवेलेबल थे, अलग अलग जगह से चुनकर आए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो मेंबर थे, उन्होंने जो है वोटिंग की थी इसके लिए। जो भी कार्य हुआ था यहाँ पर डायरेक्ट लोगों ने वोट नहीं किया था, ठीक है। अब द डिमांड वॉज फाइनली एक्सेप्टेड इन प्रिंसिपल बाई द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन वॉट इज नोन एज द ऑगस्ट ऑफर। और ये जो डिमांड थी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा स्वीकार कर ली गई, जिसे हम अगस्त ऑफर कहते हैं, 1940 का अगस्त ऑफर, ठीक है। और 1942 में सर स्टैपफोर्ड क्रिप्स अ मेंबर ऑफ द कैबिनेट कम टू इंडिया। और 1942 में क्रिप्स जो थे, स्टैपफोर्ड क्रिप्स जो कि कैबिनेट के मेंबर थे, वो इंडिया आए थे, ठीक है। और विथ अ ड्राफ्ट प्रपोजल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन द फ्रेमिंग ऑफ एन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू बी अडॉप्टेड आफ्टर द वर्ल्ड वार सेकंड। और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने की बात कही थी, इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन जो कि अडॉप्ट किया जाएगा विश्व युद्ध सेकंड के बाद, ये उन्होंने बात रखी थी। ध्यान रखिएगा, स्टैपफोर्ड क्रिप्स आए थे जो कि ब्रिटिश कैबिनेट के मेंबर थे, उन्होंने ड्राफ्ट तैयार किया, ड्राफ्ट का प्रपोजल दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने के जो स्वतंत्र संविधान बनाना चाहिए भारत के लिए और ये इसे अडॉप्ट किया जाएगा विश्व युद्ध सेकंड के बाद, ठीक है। अब द क्रिप्स प्रपोजल्स वर रिजेक्टेड बाय द मुस्लिम लीग। और ध्यान रखिएगा, ये क्रिप्स प्रपोजल जो है मुस्लिम लीग के द्वारा रिजेक्ट कर दिया था। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि इंडिया टू बी डिवाइडेड इंटू टू ऑटोनोमस स्टेट्स विथ द टू सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज, लेकिन मुसलमानों ने ये रिजेक्ट कर दिया था, मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि वो चाहते थे कि दो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बने जो अलग अलग स्टेट्स बनाएं, ठीक है। फाइनली अ कैबिनेट मिशन वॉज सेंट टू इंडिया। और लास्ट में जो कैबिनेट मिशन आया भारत, वाइल इट रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और उसने दो संविधान सभाओं का ये जो आइडिया था वो रिजेक्ट कर दिया। किसने? कैबिनेट मिशन ने, ठीक है। इट पुट फोर्थ अ स्कीम फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विच मोर और लेस सेटिस्फाइड द मुस्लिम लीग। और फिर इन्होंने आपस में बात करके, कुछ आमने सामने डिस्कस करके, कुछ शर्तों को मंजूर करके, कुछ को नकार के सेटिस्फाई कर लिया
और फाइनली मुस्लिम लीग भी सेटिस्फाई हो गई। अब बात करते हैं कंपोजिशन, इसमें मेंबर कौन कौन से थी। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज कंस्टिट्यूटेड इन नवंबर 1946। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो संविधान सभा है वो बनाई गई थी 1946 में, और कैबिनेट मिशन प्लान के स्कीम के तहत इसको बनाया गया था। इसकी जो विशेषताएं थी वो थी कि इसमें जो टोटल स्ट्रेंथ थी, जो टोटल लोग थे वो 389 थे, ठीक है, जिसमें से 296 सीट जो है अलॉट की गई थी ब्रिटिश इंडिया को, और 93 सीट जो है अलॉट की गई थी प्रिंसली स्टेट को, ठीक है। और 296 सीट में से भी 292 मेंबर जो है 11 गवर्नर्स प्रोविंस और 4 फ्रॉम द चीफ कमिश्नर प्रोविंस यहाँ से लिए गए थे। तो देखिए आपको नंबर याद रखने हैं, टोटल 389 मेंबर थे जिसमें से 296 ब्रिटिश इंडिया के लिए अलॉट किए गए थे, 93 जो है प्रिंसली स्टेट के लिए अलॉट किए गए थे, ठीक है। और 296 सीट्स अलॉटेड टू द ब्रिटिश इंडिया, 296 सीट जो ब्रिटिश इंडिया को अलॉट की गई थी उसमें से 292 मेंबर कहाँ से लिए गए थे, 11 गवर्नर प्रोविंस, जो गवर्नर के अंडर में जो 11 प्रोविंस चलती थी वहाँ से लिए गए थे, और 4 जो है चीफ कमिश्नर से लिए गए थे, चीफ कमिश्नर प्रोविंस, जो चीफ कमिश्नर के अंडर में प्रोविंस चलते थे वहाँ से, और एक एक लिया गया था सभी से। दूसरा है इसका ईच प्रोविंस एंड प्रिंसली स्टेट और ग्रुप ऑफ स्टेट इन केस ऑफ स्मॉल स्टेट वर टू बी अलॉटेड सीट्स इन प्रोपोर्शन टू देयर रेस्पेक्टिव पॉपुलेशन। और हर एक प्रोविंस को और प्रिंसली स्टेट को जो सीट दी गई थी वो वहाँ की पॉपुलेशन के आधार पर दी गई थी, ठीक है। रफली 1 सीट्स वॉज टू बी अलॉटेड फॉर एवरी मिलियन पॉपुलेशन। रफली अगर आइडिया हम लगाएं बात करें तो 1 मिलियन पॉपुलेशन पर एक सीट दी गई थी, ठीक है। ये आंकड़े आपको याद रखने, क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तीसरा जो है वो है सीट्स अलॉटेड टू ईच ब्रिटिश प्रोविंस बर टू बी डिवाइडेड अमॉन्ग द 3 प्रिंसिपल कम्युनिटीज। जो ब्रिटिश प्रोविंस को सीट अलॉट की गई थी उसमें भी जो है कम्युनिटीज के आधार पर सीट डिवाइड की गई थी, अंदर मुस्लिम, सिख और जनरल। जनरल का मतलब मुस्लिम और सिख को छोड़कर जितने भी बचते हैं वो जनरल में, ठीक है, इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन, और वही सेम जनसंख्या के आधार पर, ठीक है। चौथा है द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईच कम्युनिटी वर टू बी इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ दैट कम्युनिटी इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव। और जो रिप्रेजेंटेटिव होगा, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उनका जनता का प्रतिनिधित्व करेगा, वो किसके द्वारा चुना जा रहा था, वहां की कम्युनिटी के लोगों के द्वारा प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव के आधार पर, ठीक है। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव जो असेंबली थी वहां पे चुने गए थे वो उनकी जनता के द्वारा, तो वो चुने गए रिप्रेजेंटेटिव कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बैठेंगे और वो निर्णय लेंगे, ठीक है। वोटिंग बैज टू बी बाई द मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाई मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, डायरेक्ट आके वोट देना था आपको, ठीक है। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स वर टू बी नॉमिनेटेड बाई द हेड्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट। और जो प्रिंसली स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव थे, देखिए प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली हमने बात कर ली, लेकिन जो प्रिंसली स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव चुन के जाने थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में संविधान सभा में, वो किसके द्वारा नॉमिनेट किए जा रहे थे, वो प्रिंसली स्टेट का जो हेड था उसके द्वारा नॉमिनेट किए जा रहे थे। इट इज दस क्लियर दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज टू बी अ पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड बॉडी। मोर ओवर द मेंबर्स वर टू बी इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाई द मेंबर्स ऑफ द प्रोविंशियल असेंबलीज हु देमसेल्व वर इलेक्टेड ऑन अ लिमिटेड फ्रेंचाइजीज। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है पार्शली इलेक्ट की गई थी, नॉमिनेट की गई एक बॉडी थी जिसको इनडायरेक्टली वहाँ के लोगों के द्वारा बनाया गया था। इनडायरेक्टली कैसे, कि भाई वहाँ के लोगों ने रिप्रेजेंटेटिव को चुना और रिप्रेजेंटेटिव आके उनका प्रतिनिधित्व करेगा संविधान सभा में,
तो इनडायरेक्टली लोगों के द्वारा ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर चुने गए, ठीक है। द इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर 296 सीट्स अलॉटेड टू द ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस वर हेल्ड इन जुलाई अगस्त 1946। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा के लिए जो चुनाव हुए थे 296 सीट के लिए जो कि ब्रिटिश इंडिया को दी गई थी वो जुलाई अगस्त 1946 में हुए थे, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 208 सीट जीती और मुस्लिम लीग ने 73 सीट जीती और स्मॉल ग्रुप्स एंड इंडिपेंडेंट्स गॉट द रिमेनिंग 15 सीट्स और जो अदर इंडिपेंडेंट थे उन्होंने 15 सीट जीती, ठीक है। लेकिन 93 सीट अलॉटेड टू द प्रिंसली स्टेट वर नॉट फिल्ड। 93 सीट जो प्रिंसली स्टेट को अलॉट की गई थी वो फुल नहीं भरी नहीं गई थी एज दे डिसाइडेड टू स्टे अवे फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, क्योंकि उन्होंने डिसाइड किया था कि हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में शामिल नहीं होना है। ध्यान रखिएगा 93 सीट फिल्ड नहीं हुई थी। ऑल्दो द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया, हम जानते हैं कि जो संविधान सभा है वो भारत के लोगों के द्वारा डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं थी। कैसे नहीं थी? क्योंकि लोगों ने रिप्रेजेंटेटिव को चुना और रिप्रेजेंटेटिव जाके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बैठेंगे, ठीक है। तो डायरेक्टली चुनाव नहीं कहेंगे इसको, इनडायरेक्टली लोगों के द्वारा चुना गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर को। तो द पीपल ऑफ इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज द असेंबली कंप्राइज्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल सेक्शन ऑफ द इंडियन सोसाइटी। तो लोगों के द्वारा जो ये चुनाव हुआ था और जो रिप्रेजेंटेटिव चुने गए थे वो हर इंडियन सोसाइटी के हर वर्ग से थे, हिंदू मुस्लिम सिख पारसी एग्लो इंडियन इंडियन क्रिश्चियन एससी एसटी वोमेन ये सभी सेक्शन उसमें शामिल थे, ठीक है। द असेंबली इंक्लूडेड ऑल इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज ऑफ इंडिया और जो संविधान सभा थी उसमें जो महत्वपूर्ण लोग थे भारत के वो सभी शामिल थे, ठीक है, उस समय विद द एक्सेप्शन ऑफ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी को छोड़कर। तो आपसे पूछा जाए कि तुर्के संविधान सभा में महात्मा गांधी शामिल थे, भाई इतना रोल रहा उनका आज़ादी की लड़ाई में, तो अगर ध्यान भूल गए आप तो टिक कर दोगे क्वेश्चन के, महात्मा गांधी तो शामिल होना ही चाहिए। लेकिन ध्यान रखिएगा महात्मा गांधी को छोड़कर जो भी महत्वपूर्ण पर्सनैलिटीज थी अम्बेडकर वल्लभ भाई पटेल सभी लोग ये शामिल थे, लेकिन महात्मा गांधी शामिल नहीं थे और संविधान सभा के जो लोग चुने गए थे वो समाज के हर वर्ग से चुने गए थे, कोई भी वर्ग छूटा नहीं था इंक्लूडिंग वोमेन, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस किया कि जो भारत की जो संविधान सभा बनी थी भारत के संविधान को बनाने के लिए उसकी मांग कब उठी कैसे उठी और उसके लिए कौन कौन से मेंबर चुने गए, उसका कंपोजिशन क्या था, ठीक है, किस वर्ग से चुने गए, किस आधार पर चुने गए, कितनी सीट्स किसको दी गई, कितनी सीट्स ब्रिटिश इंडिया से दी गई, कितनी प्रिंसली स्टेट से दी गई, पहले मुस्लिम लीग राजी नहीं था फिर कन्वर्सेशन के बाद राजी हुआ, तो फाइनली ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। तो इसको आप ध्यान से समझिएगा, इस वीडियो को दोबारा भी देखिएगा, ठीक है, और अच्छा वीडियो लगता है तो शेयर ज़रूर कीजिएगा जिससे आपके फ्रेंड्स की भी मदद हो सके और यहाँ से प्रश्न बनते हैं, ये मैं कहना चाहूँगा यहाँ से प्रश्न आपके बनते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।